नमस्कार, ये एमएसटीवी के न्यूज एक्सप्रेस बुलेटिन के साथ मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चली हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समर्थन दे रहे विधायकों को साधने और पार्टी में उठ रहे बगावती तेवरों को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने, भावांतर का लंबित भुगतान और कर्ज माफी सहित किसानों की अन्य समस्याओं के समर्थन में आज से मध्य प्रदेश में 3 दिन की हड़ताल पर हैं। इस बार भी किसानों ने दूध और सब्जी की सप्लाई मंडी तक नहीं पहुंचाने की घोषणा की है, जिसके चलते आने वाले 3 दिनों तक सब्जी, दूध और फल की किल्लत होने वाली है। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए होशंगाबाद कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मुहिम शुरू की। मंगलवार रात को तहसीलदार शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले में ग्राम बरहुंडुआ में एक खेत में किए गए अवैध रेत भंडारण पर छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 150 डंपर रेत जब्त की गई, इसकी कीमत लाखों रुपया की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम कमलनाथ के करीबियों पर मारे गए आयकर छापों में एक नई जानकारी सामने आई है। तुगलक रोड स्थित निवास से हुए फोन के रिकॉर्डिंग और बातचीत के अंश मीडिया में बाहर आए हैं, जिसमें कथित तौर पर पैसों के कलेक्शन और ट्रांसफर के लेन देन का जिक्र है। मध्य प्रदेश सरकार के गठित मठ मंदिर सलाहकार कमेटी के नए अध्यक्ष स्वामी सुद्बुधानंद ने मंगलवार को मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्हें धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा ने पदभार ग्रहण कराया। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद एक बार फिर कमलनाथ सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले, गड़बड़ियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घोटालों की दबी हुई फाइलें फिर से खंगाली जा रही है और इसे विधानसभा में लाने की तैयारी है, ताकि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करने से पहले ही कटघरे में खड़ा हो जाए। भोपाल को हरा भरा बनाने के लिए बारिश में बड़े पैमाने पर पौधे रोपे जाएंगे, इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से होगी। प्रशासन, नगर निगम, बीडीए, सीपीओ और वन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी में मंथन जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब नए अध्यक्ष के नाम पर विचार कर रही है। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर मंगलवार को दुनिया का सबसे गर्म रहा। यहां तापमान 47.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान भी रहा। 47.5 डिग्री के साथ नागपुर दूसरे स्थान पर रहा। जम्मू में पुलिस ने 2 संदिग्ध जासूसों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे रत्नुचुक सैन्य स्टेशन के नक्शे की वीडियो बना रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। सिलिकॉन वैली के समान स्तर के मुख्य शहर या क्लस्टर की अनुपस्थिति के बावजूद टेक्नोलॉजी कंपनियों के द्वारा एपीएससी क्षेत्र में कार्यालय स्थलों की मांग बढ़ रही है। भारत के गुरुग्राम और बेंगलुरु एशिया पैसिफिक के शीर्ष 5 शहरों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी कल शाम 7 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ 65 से 70 मंत्री भी शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गश्त के दौरान सेना के एक अधिकारी ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी, उसके बाद मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई। स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी कैनबेरा में आयोजित एक समारोह में ऑस्ट्रेलिया में महारानी एलिजाबेथ के आधिकारिक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल सर पीटर क्रोसोगोव ने मॉरिसन को शपथ दिलाई। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि भारत अमेरिका का एक बहुत बड़ा सहयोगी है और अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निकटता से मिलकर काम करता रहेगा। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले 6 सालों में पहली बार 2018-19 में गिरावट दर्ज की गई है। दूरसंचार, फार्मा और अन्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश में गिरावट से एफडीआई 1% गिरकर $44 अरब रह गया। श्रीलंका ने अपने यहां 11 समुद्री क्षेत्र कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए मंगलवार को भारत और जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका में चीन के बढ़ते कदम को देखते हुए भारत चिंतित है। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप से पहले अपने दूसरे वार्म अप मैच में बांग्लादेश पर धमाकेदार जीत दर्ज कर एक साथ कई चिंताएं दूर कर दी हैं। टीम इंडिया ने मंगलवार को खेले गए वार्म अप मैच में पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 359 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने मंगलवार को आईसीसी विश्व कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड को 91 रनों से हरा दिया। काउंटी ग्राउंड पर खेले गए वार्म अप मैच में रनों की बारिश देखने को मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।